इस दुर्घटना ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि श्री राम और श्री कृष्ण की धरती पर आखिर ये हो क्या रहा है। ये केजरीवाल की फोटो में इसलिए डाला जा रहा है कि ये हिंदू था। इसको आम आदमी पार्टी देश विरोधी सनातन विरोधी प्रोपेगेंडे पे काम कर रही है लगातार, और ऐसे पार्टी का बहिष्कार हिंदू समाज अब करेगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, राजेंद्र पाल गौतम की अगुवाई में 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, और बौद्ध धर्म को अपनाया तो सही, लेकिन जिस हिसाब से हिंदुत्व के हिंदू के देवी देवताओं का श्री राम श्री कृष्ण और परम पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान किया गया कि वो लोग इनको नहीं अपनाएंगे, इनकी शपथ ले रहे हैं, साथ ही साथ जनता का गुस्सा फूट रहा है। जनता अरविंद केजरीवाल के विरोध में है, अरविंद केजरीवाल के बायकॉट की मांग की जा रही है, साथ ही साथ आप मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम के विरुद्ध भी लोगों ने कड़े मोर्चे निकाले हैं और उनको सस्पेंड करने की मांग की है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बौद्ध महासभा के आयोजन में शामिल होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने हिंदू के इष्ट देवी देवताओं का अपमान किया है। उनके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी राजेंद्र पाल से नाराज है, और दरअसल दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बुद्ध महासभा के आयोजन में शामिल हुए, जिसमें हिंदुओं के देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई गई। उस समय मंच पर राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और वो भी शपथ ले रहे थे। इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि जहां चुनाव होते हैं वहां केजरीवाल और उनके नेता जय श्री राम और कृष्ण कहते थकते नहीं, लेकिन जहां सत्ता में होते हैं वो ऐसा अपमान करते हैं देवी देवताओं का। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हमारे प्रभु श्री राम अरुण गोविल जी ने भी अपने हाल में ही इंटरव्यू के दौरान बताया है कि शपथ दिलाने वाले तो अपने धार्मिक और राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन शपथ लेने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो ये क्यों कर रहे हैं। ऐसी दुर्घटनाओं का संसार के हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। देश और धर्म जो है वो हमसे है, हम देश धर्म से नहीं है। जब तक देश और धर्म सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि क्या ये हिंदुज्म का कन्वर्जन होना बुद्धिज्म में, क्या वो सही है। हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त रवि चौधरी। इसी प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।